बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि हमारा लाइन लॉस पहले से काफी कम हुआ है, यह करीब 10% पहुंच गया है। सबसे कम लाइन लॉस जर्मनी देश में है, जो कि 6% है। बिजली विभाग ने बेहतर कार्य किए हैं, हमारा लाइन लॉस जल्द 1 डिजिट में होगा। आपको बता दें कि जल्द हम 1000 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। मैं वो कई दिन से इच्छा थी, सबसे मिलना हो जाएगा इस बार ने, ठीक फिर तो आप भी फील्ड में चला जाएंगे। हाँ जी, कर लें शुरू। देखिए, हमारा मेन तो सारी चीज़ें एक जगह जब क्लब हो जाती है तो उसका रिजल्ट जो है वो ये है कि हमारा फरवरी टू फरवरी इस महीने जो हमने कैलकुलेट कराया है, हमारा लाइन लॉस 10.72 आ गया, और मार्च में हम मार्च हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है। मेरा ये अंदाजा है कि पुख्ता कि हम इसे 1 डिजिट में जाएंगे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जर्मनी में वर्ल्ड में सबसे जो लाइन लॉस कम है वो जर्मनी में 6% आता है। मतलब आप 100 में 1 डिजिट में जाएँ तो इससे बड़ा बहुत आश्चर्यजनक होगा। तो ये तो हमारा पावर डिपार्टमेंट का था। कल हमारी हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग थी, सीएम साहब ने चेयर करा उस मीटिंग को। उसमें काफ़ी मामले डिसाइड हुए। हमारे सबसे ज़्यादा एजेंडे थे 26 के करीब। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मीटिंग चली। उसमें हमने नए केबल्स, कंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन बनने हैं। वो एक मारुति जो नया प्लांट आ रहा है हमारा खरखोदा में, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा 220 KV का स्टेशन है, उसके लिए भी तो सारी जो चीज़ें थी उसके कल कुछ इश्यूज डिसाइड हुए। और सारे हमारे, मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, हमारे सब लोगों ने मिलकर जो काम कराया पावर डिपार्टमेंट में, मेरा अपना अंदाजा है कि सबसे ज़्यादा बेहतर हमारा पिछले 4.5 साल का रिकॉर्ड रहा है, वो बहुत बढ़िया रहा है। क्योंकि पहले 5 साल ये सीएम साहब पे था, उनका मार्गदर्शन रहा, पहले वो खुद ही चलाते थे। अब भी देखिए, फंडामेंटली तो सारा सीएम ही मॉनिटर करते हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट को भी उनके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया करने का मौका मिला। देखिए, पहले हम 3700 करोड़ घाटे में थे, और उसके बाद अभी जो है पिछले हमने कोई 3 महीने पहले हम 700 करोड़ प्रॉफिट में थे। मार्च टू मार्च हमारा मैक्सिमम रिकवरी होती है। मतलब ये महीना जो फरवरी, मैं आपसे बता रहा हूँ, कल जो जींद में एक एक्शन हुआ, 18 फैक्ट्री जो हैचरीज है जिनके बिल नहीं भर रहे थे, लोगों ने 15-15 लाख रुपए के पेंडिंग थे, वो कनेक्शन काटे, तो वो लोग इमीडिएट पैसा जमा कराते हैं, तो हमारी रिकवरी होती है। और जितने डिपार्टमेंटल है वो हमारा आ जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा रिकवरी हमारी इस महीने में होती है। तो मेरा ये अंदाजा है।